भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या कहा जाता है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है वो सबसे बड़ी और खास अमावस्या मानी जाती है। इस बार शनिवार के दिन अमावस्या होने से विशेष रूप से शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बन रहा है। क्योंकि माघ माह की अमावस्या है इसलिए इसे माघी अमावस्या कहा जाता है, मौनी अमावस्या कहा जाता है, और यह अमावस्या देव कार्य के साथ साथ पितृ कार्य के लिए भी श्रेष्ठ है। स्नान दान के लिए और पितृ दोष शांति के लिए यह अमावस्या विशेष है। इस बार अमावस्या तिथि का आरंभ 21 जनवरी 2023 शनिवार की सुबह 5:23 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 21 और 22 की मध्य रात्रि 3:03 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी, मध्यान्ह व्यापिनी जो सर्वोत्तम अमावस्या रहेगी वो 21 जनवरी 2023 शनिवार के दिन रहेगी, और इसी दिन सभी को मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या का महापर्व मनाना चाहिए। क्योंकि शनिवार के दिन जो अमावस्या आती है उसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार बड़ा ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग मौनी अमावस्या के दिन निर्मित हो रहा है, क्योंकि शनि देव का भी राशि परिवर्तन हो चुका है और शनि देव मकर राशि से अपनी स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में यदि सभी भक्तजन इस दिन शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, शनि देव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन शनि देव का विशेष पूजन अर्चन करें और प्रातःकाल जल्दी उठे। 21 जनवरी 2023 को सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। यदि संभव हो तो आप तीर्थ में जाकर के स्नान करें, और यदि तीर्थ में आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में नहाने के पानी में, नहाने की बाल्टी में आप तीर्थ जल डाल करके, काले तिल डाल करके उससे स्नान करें। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। नियमित रूप से जो आप भगवान का पूजन अर्चन करते हैं वह पूजन अर्चन करें, और इसी के साथ चूंकि अमावस्या पितरों की सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है, जिस प्रकार पूर्णिमा तिथि देवताओं की तिथि है उसी प्रकार अमावस्या तिथि पितरों की सर्वोत्तम तिथि होती है, और हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और समस्त मृतक परिजन होते हैं, पितर होते हैं, वो अपने अपने परिजनों के निवास के आसपास वायु रूप में भ्रमण करने के लिए आते हैं, और जब उनको तृप्त करने के लिए उनके परिजन तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाते हैं या फिर पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं, तो उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको मन चाहा वरदान प्रदान करके पुनः पितृलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर जाते हैं। तो यदि आप अपने पितरों के निमित्त इस दिन किसी भी जल पात्र में कुशा, काले तिल और जौ डाल करके तर्पण करेंगे तो आपके पूर्वजों को परम शांति प्राप्त होगी, क्योंकि तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और हमारे घर के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। और मध्यान्ह के समय यानी दोपहर के समय 10:45 से लेकर के लगभग दोपहर 3 के बीच में आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध तथा अन्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि पितरों का समय मध्यान्ह काल माना जाता है, इसलिए पितरों के निमित्त आप इस दिन जो है अपने जल रखने के स्थान यानी पानी की पंडेरी के पास में थोड़ा सा पोछा लगा करके और एक आटे का चोक बना करके एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि संभव हो तो पितरों की तृप्ति के लिए
तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं और एक बिना नमक की रोटी तैयार करें। उसमें गुड़ तथा घी मिला करके अंगारे यानी अंगीठी तैयार करके अग्नि प्रज्वलित करके और बिना नमक की रोटी में गुड़ और घी मिला करके अच्छा चूर्ण बना करके उसकी 5 आहुति अग्नि पर प्रदान करना चाहिए तथा अग्नि के आसपास जल घुमा करके पितरों से हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए और यदि संभव हो तो काले तिल और गुड़ को मिला करके या चावल मिला करके एक पिंड बना करके पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिण दिशाओं में पितरों का आसन लगा करके उनको पिंड दान करें और पितरों के निमित्त भोजन तैयार करें और इस दिन गौ माता को भोजन करवाना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, कौवे को भी रोटी खिलाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके द्वार पर कोई भी भिखारी या जरूरतमंद आता है तो उसको भी भोजन का दान करवाना चाहिए। इसी के साथ पितरों की तृप्ति के लिए, पितृदोष शांति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवताओं को भी भोजन करवाना चाहिए क्योंकि अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन करवाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। तो अगर आप अपने घर बुला करके ब्राह्मण देवता को इस अमावस्या के दिन भोजन करवाएंगे तो आपको महापुण्य फल की प्राप्ति होगी और यदि अपने घर नहीं बुला सकते हैं तो उनको भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री, घी, तेल, गुड़, मसाले, गेहूं या अन्य वस्तुएं दान करके ब्राह्मण भोजन का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सामग्री भी नहीं दे सकते हैं तो इसके निमित्त आप उनको नगद राशि भी यदि प्रदान कर देंगे तो भी आपको अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों की तिथि होती है, इसलिए इस दिन सभी को चाहिए कि अपने अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, मृतक पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अमावस्या के दिन कुछ ऐसे काम है जो आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या परम पुण्यदायी तिथि होती है क्योंकि माघ माह की अमावस्या तो बड़ी अमावस्या है, इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। और यदि आप मौन व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह से लेकर के पूरे दिन और रात आप मौन व्रत धारण करें तथा भगवान की महिमाओं का श्रवण करें और यदि संभव हो तो गीता जी का पाठ करें। और यदि गीता जी का पाठ नहीं कर सकते हैं तो गीता पाठ का श्रवण भी इस दिन यदि आप करेंगे तो आपके पूर्वजों को तृप्ति प्राप्त होगी। इसी के साथ इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए, कटहल की सब्जी भी इस दिन नहीं बनाना चाहिए और यदि संभव हो तो इस दिन जो है आप शुद्ध और पवित्र भोजन बना करके पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर पितरों को भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मण भोजन करवा करके स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही अमावस्या के दिन विवाहित दंपत्ति को, पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन दाढ़ी कटिंग करवाना वर्जित माना जाता है, नाखून काटना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन यदि आप पितृ शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए क्षौर कर्म करवाते हैं, जैसे दाढ़ी कटिंग करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं पितृदोष के निमित्त या पितरों के निमित्त, तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही अमावस्या के दिन आपको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा अपने रसोई घर में कोई भी ऐसी वस्तुओं का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए जो खाने पीने के लिए जो है अशुद्ध मानी गई है। और पितरों की तृप्ति के लिए आपको उपाय करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन अन्नदान के साथ साथ वस्त्रदान, पात्रदान या स्वर्णदान, गौदान भी आप कर सकते हैं, यानी जो भी आप इस दिन दान करेंगे वह पितरों को प्राप्त होगा।
पितरों की तृप्ति के लिए इस दिन छाते का दान किया जाता है, जूते का दान किया जाता है, कमंडल का दान किया जाता है। इसके अलावा भी अन्य वस्तुएं आप पितरों की तृप्ति के लिए दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो भी दान पुण्य करेंगे वो समस्त सामग्री आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को प्राप्त होगी और उनकी आत्मा तृप्त होगी। और जब उनकी आत्मा तृप्त होगी तब आपके घर के पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार से कोई भी गलत काम, अनैतिक काम या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीन प्रकार के पाप मुख्य रूप से बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के माध्यम से जो पाप किए जाते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है, और वाचिक पाप का अर्थ होता है गलत शब्दों का उपयोग करना या गलत वाणी हमारे मुंह से निकलना, वह वाचिक पाप कहलाता है। यदि हम इस दिन किसी को भला बुरा या गलत शब्दों का उपयोग करके उसका दिल दुखाएंगे तो वह भी एक प्रकार का पाप ही कहलाएगा। इसके बाद होता है मानसिक पाप। मानसिक पाप का अर्थ होता है मन के द्वारा जो हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गंदे विचार आते हैं, उन्हें मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको कोई भी गलत काम, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक पुण्य कर्म करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, और यदि आपके घर पर कोई भी भिखारी, जरूरतमंद आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। गौ माता को इस दिन गुड़ खिलाएं, तिल खिलाएं, और इसके अलावा सरसों का तेल भी आप गौ माता को अर्पण करें, हरी घास खिलाएं, हरी सब्जी खिलाएं, और रोटी खिला करके गौ माता को प्रणाम करें, गौ माता की पूजा करें, और गौ माता की रक्षा का संकल्प आपको करना चाहिए। मौनी और माघी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयागराज में विशेष रूप से त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का महान पुण्यफल प्राप्त होता है, क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज में माघ मेला संपन्न होता है, यानी प्रारंभिक समय रहता है। माघ मेले का जो है मुख्य स्नान कहा जाता है मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या। इसलिए यदि संभव हो तो आप त्रिवेणी में जाकर के स्नान करें, और इस दिन गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कंबल का दान करना चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या, माघी अमावस्या के दिन यदि आप कंबल अथवा स्वेटर का दान गरीबों और जरूरतमंद लोगों को करेंगे तो आपको महापुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है मानसिक रूप से पूजन अर्चन करें, भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और आप जो है इस दिन सभी नियमों का पालन करते हुए मानसिक रूप से मन ही मन संकल्प करते हुए पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और मौनी माघी अमावस्या की रात्रि के समय चूंकि कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं होती है, इसलिए इस दिन, इस रात्रि में एकांत स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शमशान या घनघोर जंगल में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चौराहे पर, तिराहे पर यदि कोई नींबू या लौंग पड़े हुए होते हैं, मिठाई पड़ी हुई थी, या अन्य कोई भी ऐसी वस्तु जो तंत्र मंत्र में उपयोग की जाती है, उनको आपको छूना भी नहीं है और उनको लांघना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार अमावस्या के समस्त नियमों का पालन करते हुए आपको मौनी और माघी अमावस्या का महापर्व मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मौनी माघी अमावस्या के अवसर पर पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, या हमारे माध्यम से पितरों की पूजा आप संपन्न करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करवाना चाहते हैं, पितरों के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान
या फिर पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन यदि आप करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके मौनी माघी अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।